हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों, अभी हम लोग करने वाले हैं आज जो अभी तक के टॉपिक रहे हैं उससे आगे का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पेरिस एग्रीमेंट को। ओके, पेरिस एग्रीमेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट वास्तव में है क्या और हम लोगों को क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, दोहा में एक सेमिनार हुआ था जहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अब जो प्लान है हम लोग बनाएंगे उसके लिए 2020 के बाद एक्चुअली करना क्या है। तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ था आपको पहले ही ऑलरेडी मालूम होगा, है ना। एक होती है UNFCCC, है ना, क्या, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। ओके, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, आपको पता था कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहा है तो अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इन्होंने ये वाला जो आपका कन्वेंशन हुआ था इसमें पेरिस एग्रीमेंट, यहाँ पे पेरिस के अंदर वहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हम लोग जो है ग्रीन हाउस एमिशंस को हटाने की बात करेंगे, साथ ही अडोप्टेशन। यहाँ पर एक्चुअली दो चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी, एक तो अडोप्टेशन और दूसरा मिटिगेशन। अडोप्टेशन का मतलब जो जो जिन लोग कंट्रीज़ का ऑलरेडी विकास हो चुका है ना, तो वो क्या करती हैं, वो मिटिगेशन पर ध्यान देती हैं। वो कहती हैं वो ऐसे गैस रिलीज ही मत करो जिससे जो है मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान हो, है ना। तो ये उन लोगों के लिए ठीक है जो उन लोगों का ग्रोथ हो चुकी है, ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, लेकिन उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जिन लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं, उन्हें वो प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेंगी जो आसान हैं, सस्ती हैं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि ना तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है ना उनके पास और भी कुछ है। तो इसलिए वो मिटिगेशन पे जोर देती हैं, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अडोप्टेशन पे बोलती हैं। सॉरी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो मतलब ग्रोथ नहीं हुई है, विकासशील कंट्रीज़ हैं, तो वो अडोप्टेशन पे बोलती हैं, बोलती हैं भाई हम मान लेते हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम होगी होगी तो हम बाद में इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस बना सकते हैं। तो आप बाद में समझौता हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि हम ना मिटिगेशन और अडोप्टेशन दोनों चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो सबसे पहले बात करूं मैं यहाँ पे, ये जो है पेरिस एग्रीमेंट 2015 में अडॉप्ट किया था, पेरिस एग्रीमेंट में, है ना। और वहाँ पे हम जो पेरिस में इकट्ठे हुए थे, जो बाकी कंट्रीज इकट्ठी हुई थी, है ना, उन लोगों ने डिस्कस किया ग्रीन हाउस एमिशंस के मिटिगेशन और अडॉप्टेंस के और बारे में, फाइनेंस के बारे में। तो ये था कि 2020 के बाद अपने को क्या करना है ना, 2020 से अपने लोग क्या करेंगे इसके बारे में था पूरा, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है इसको जो है यहाँ पर जो है एक एग्रीमेंट बनाया गया, और इसके बाद जो है इसमें जो 21st कॉन्फ्रेंस थी, ये जो थी ये थी UNFCCC की 21st कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे पहले क्या गया, जो 2015 में अडॉप्ट किया गया, यहाँ पे टारगेट रखा गया कि जो आपका टेम्परेचर है वो 2 डिग्री बिलो रखना है, मतलब 21st सेंचुरी के एंड तक आपको 22 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देना है। लेकिन बेंचमार्क क्या होगा कि हम कब से नहीं बढ़ने देना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री से ज़्यादा अपने को टेम्परेचर नहीं जाने देना है, किस भी हो जाए, किसी भी हालत में, ठीक है ना। और तो और हम पूरी कोशिश, अगर हम 2 के नीचे रख पाएँ तो रखना ही है ये 2 के नीचे तो किसी भी हालत में, और भी अगर हम करें कोशिश तो हम क्या करना है उसको 1.5 सेंटीमीटर के सेंटीग्रेड के नीचे रखना है। अब मैं हंसा क्यों, ये रीज़न हो सकता है, रीज़न क्या है कि जितनी रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे हैं ना, हम 2 को लगभग पहले ही छू लेंगे, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ ठीक है कि अपने लोगों ने टारगेट बना लिया, मगर टारगेट ऐसे बना लिए कि जिसके पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो पहले मैं बता दूं कि ये पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब अभी आपको बताऊंगा कि क्यों मतलब इसमें प्रॉब्लम आएंगी अब, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं कि यहाँ पर जो है इसमें जो है ये इसमें क्या होता था, यूएन इसमें पेरिस एग्रीमेंट में आपको देना है सक्सेसिव INDC। सक्सेसिव INDC का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब कि हर एक देश को जो भी इसके पार्ट है एग्रीमेंट में, है ना, उसको क्या करना है, अपना एक कंट्रीब्यूशन देना है इन्वायरमेंट के लिए। और ये क्या होगा, ये सक्सेसिव देना होगा, सक्सेसिव मतलब पहले आपने क्या दिया है ये देना है ना, फिर उसके बाद जो है अगली बार जब दोगे वो उससे ज़्यादा दोगे, है ना, अब की बार उससे ज़्यादा करना है, उससे ज़्यादा करना है, फिर उसके बाद ज़्यादा करना है, इस तरह बताना है कि अभी हम इतना कर सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए, फिर उसके बाद इतना करेंगे, फिर उतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, कुल मिला के किस तरह करेंगे हम लोग, सक्सेसिव मैनर में करेंगे, ये इस तरह का था, ठीक है ना। ये तो हम सक्सेसिव मैनर में INDC देना है अपने को, हर एक कंट्री को सबमिट करना है INDC, मतलब इन्वायरमेंट के लिए जो भी इसको साइन करेंगी पेरिस एग्रीमेंट को, ठीक है ना। तो अब बोला गया इस बार, अभी तक क्या था कि मतलब उसमें कोई बिजनेस ढूंढ रहे थे, है ना, कि मतलब अब आपने कार्बन सिंक वाला देखा, एक पूरा एक नया मार्केट खड़ा कर दिया था कार्बन सिंक का, ठीक है ना। उसने अब उसके बाद अब इन्होंने सोचा कि अब जो है जिम्मेदारियों का दौर शुरू होगा,
यार, क्योंकि जब तक हम लोग जिम्मेदार नहीं बनेंगे इस कंट्रीज, जब तक नहीं काम चलेगा, तो बजाय हम लोग अभी ये इनके नए नए तरीके आजमाने के कि हाँ कि कार्बन सिंक जनरेट करो, उसे बेचो, सरप्लस, वो सब करने के बजाय जिम्मेदारियों से काम कराएंगे, ठीक है ना। तो इसमें हर एक कंट्री को INDC करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो इसका बोला कि हम हर एक कंट्री करेगी, और उसके बाद क्या होगा, हर एक 2 साल में जो है ना उसको रिव्यू करा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इसने, अब दिक्कत क्या, बोल दिया किसी ने हाँ ठीक है हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, अब इतना सब बोल दिया ठीक है, लेकिन उसे करेगा कौन पूरा, तो उसको रिव्यू करना था नॉन प्यूमिनेटिव मैनर में। मतलब अब क्या है कि, मतलब ठीक है आप कर देते हो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होगा, अगर नहीं कर पाते हो तो आपको नॉन प्यूमिनेटिव मैनर में एनक्रेज किया जाएगा। मतलब आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, उससे पहले कुछ था कि आप नहीं कर पाते हो तो आपको कुछ पैसा देना होगा वर्ल्ड कम्युनिटी को, इस तरह। तो इन्होंने बोला कि भाई अब हम तुम्हें जो है, मतलब कोई धमकी नहीं, कोई सुपर पोजिशन नहीं, मतलब आपको समझाएंगे, आप कर पाते हो तो ठीक है, वरना बाकी के सारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो बोलेंगे भैया आप भी करो, ठीक है ना, आप भी जो आगे निकलो, इस तरह करेंगे। तो नॉन प्यूमिनेटर में रिव्यू करेंगे, आपने जो भी INDC दिया है पूरा होता है तो ठीक है, हर 2 साल बाद चेक करेंगे, नहीं होता है तो हम नॉन प्यूमिनेटर, मतलब उसको बिना कोई सजा वजा दिए हुए आपको जो बाकी के लोग कंट्रीब्यूट करके आपको इंक्रूज करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही कहा गया कि हम $100 बिलियन जो इकट्ठा कर लेंगे 2020 के लिए, जिसको हम यूज करेंगे अडेप्टेशन और मिटिगेशन दोनों टेक्निक्स पे। तो $100 का ये भी एक टारगेट था, ठीक है ना। तो पेरिस एग्रीमेंट को जो है बोला कि ये जो है 3 साल बाद इसको इफेक्टिव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये 3 साल बाद ही इसको, ये इफेक्टिव होगी 3 साल बाद होगी जो भी इसको साइन करेगा। और जो कंट्री होगी जिस, जब भी से छोड़ना चाहे तो वो उसे आराम से छोड़ सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है। हाल ही फिलहाल में बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमेक्स जब आया, जब US ने ऑप्ट आउट कर लिया। सबसे जिम्मेदार इनका टाइम अगर देखा जाए इन्वायरमेंट के लिए, तो मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी जिम्मेदारी अभी तक तो US निभा रहा था, है ना, कि हाँ ठीक है इन्वायरमेंट है, वो लीड कर रहा था वर्ल्ड कम्युनिटी को। अब क्या हुआ, US ने कर लिया, जैसे सत्ता बदली, डोनाल्ड ट्रंप जी की वापसी हुई, इन्होंने कहा कि भाई साहब एक बात बताओ, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है नो डाउट एमिशन तो उनका ज़्यादा हो गई होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई वो जो तरीके और जो पैसे हों, जो वो प्रोडक्शन में तरीके यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो केमिकल्स वगैरह रिलीज होंगे वो ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि भाई उन्हें तो अपनी ग्रोथ चाहिए ना, वो तो डेवलप्ड होकर बैठ गए, वो तो क्या कर रहे हैं, जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ से प्रोडक्शन ले ले रहे हैं, पैसा इतना है उनके पास, बट बेचारे जो कंट्रीज नहीं बना पा रही वो तो अपना करेंगे ना काम। तो बोले कि भैया ये जो है ना, ये वाली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये ज्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं, अब ये नहीं देख रहा है कि भाई तू करके बैठ गया है पहले ही, है ना। तो अभी अपने लोग जो है इंडिया और चाइना को उन्होंने सीधा सीधा दोषी ठहरा दिया अपने स्टेटमेंट में, ये कंट्रीज जिम्मेदार हैं पूरी तरह उसके लिए, है ना। तो इसलिए जो है US बोला कि हम उनकी सजा क्यों भरें और हम लोग जो है इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरह इन्होंने जो है अपने आप को खींच लिया पूरी तरह इसके बाद। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अब देखो अपने देश ने क्या किया है, अपने देश का पॉइंट देखते हैं कि अपने कंट्री ने क्या किया है। तो अपने कंट्री ने बोला, INDC, इंडिया ने जो INDC दिया उसने क्या किया कि हम जो है एनर्जी एफिशिएंट बन जाएंगे 33% से 35% तक बाय 2030। मतलब हम जो अभी तक एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छी एनर्जी यूज़ करेंगे, क्लीन वे में यूज़ करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, फॉसल फ्यूल्स को कम कर देंगे, और मतलब एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा देंगे 33 से 35% के बीच में 2030 से। लेकिन बेंचमार्क दिया इन्होंने 2005 का, बोला 2005 में जो हमारा एमिशन वगैरह है वो सब देखते हुए उस बेंचमार्क से हम 35% अपने आप को इम्प्रूव करेंगे 2005 से, ठीक है ना। उसके बाद बोल दिया 2.5 to 3 बिलियन टन का हम लोग जो है कार्बन सिंक जनरेट करेंगे। कार्बन का मतलब जो कार्बन है उसको एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेंगे, किससे करेंगे, या तो आप एफोस्ट्रेशन करो, एफोस्ट्रेशन मतलब जहां पे पेड़ जहाँ पे जो है एफोरेस्टेशन मतलब जहां पे पेड़ नहीं है वहां पे पेड़ लगाना, और या फिर रिफोरेस्टेशन करो, है ना। तो वहां पे मतलब जहां से पहले पेड़ काट दिए हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गया है, वहाँ पे जो है दोबारा से पेड़ लगाना है, तो वो हम बोले कोई भी तरीका यूज़ करेंगे अपने लोग जो कार्बन सिंक जनरेट करेंगे, ठीक है ना। मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे जहाँ वो एटमोसफेयर से कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा और अपने बदले में ऑक्सीजन छोड़ेगा, इतना अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा। हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लगभग 40% जो है ना नॉन फॉसल फ्यूल से, रिन्यूएबल एनर्जी से बढ़ाएंगे, है ना। तो अब इंडिया ने टारगेट कराया 2022 तक। पहले क्या कहता था ये मनमोहन जी के टाइम पे बोला गया था कि हम जो 100 GW तक जो है मतलब एनर्जी रिड्यूस करेंगे, राजीव गांधी मिशन करके था कुछ
उस टाइम पे नाम, तो उसको बोला कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है हम लोग जो है जो एनर्जी निकालेंगे वो 100 गीगावाट है, बाद में जो है ये चेंज करके कर दिया गया, सोलर में हम सोल रखेंगे, 100 गीगावाट हम सोलर से जनरेट करेंगे, विंड से 60 गीगावाट करेंगे, बायोमास से 10 गीगावाट करेंगे, स्मार्ट हाइड्रो से 5 गीगावाट करेंगे। तो इतने जो 175 गीगावाट है अपन लोग फॉसल फ्यूल को रिप्लेस करके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के करेंगे। वाह वाह वाह, सब जगह तालियां बज गई, क्या बात है। उसके बाद इंडिया ने अगली हामी भरी कि हम लोग इन्वेस्ट मनी करेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी पे करेंगे। मतलब आप जानते हो इन इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस की घोषणा हुई थी, करी थी उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट में जाके जो इन्होंने मोदी जी ने घोषणा कर दी थी कि जितने भी जो है ये इसके बीच में टेम्परेट जोन वाली जो कंट्रीज आती हैं जहाँ अच्छा खासा सोलर एनर्जी वगैरह है वहाँ पे अपने लोग जो है सोलर टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कर करके ISA इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस की घोषणा की। और इसका जो हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, और ये भैया क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है ना, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर ही। तो जो ISA के इसकी जो है इसको डिक्लेयर किया गया कि ये जो है, और बोला उसके बाद कि हम इनवाइट करेंगे बाहरी पैसे को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को R&D करने के लिए एनवायरनमेंट की, भैया आओ हमारे यहाँ रहो, आराम से रिसर्च करो एनवायरनमेंट के ऊपर जितना कर लिया, और जितनी भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस वो करेंगे, TV में ऐड डालेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए, उन्हें बताएंगे, अवेयर करेंगे। तो ये सारी कहानी थी दोस्तों अपनी, सारी की सारी किसकी, यहाँ पर एनवायरनमेंट की। तो बात सही है, हम लोग खुश हो गए, अरे वाह क्या बात है, क्या एग्रीमेंट हुआ, ज़बरदस्त एग्रीमेंट है ना। बस दुख की सबसे तगड़ा झटका पहले तो उन्होंने दिया, इन्होंने US ने, क्योंकि जो बंदा लीड कर रहा हो वही गायब हो जाए तो फिर क्या हालत होगी, है ना। अब सुनो रियल प्रॉब्लम क्या थी, जो अभी मैं थोड़ा सा हंस रहा था बताते टाइम पे। दरअसल एक्चुअल क्या है, सबसे पहला टारगेट इन्होंने बोला 2 डिग्री बिलो रखो, जिसका प्रैक्टिकलिटी में कमी थी, क्योंकि अभी जितनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं हम लोग जो है लगभग बहुत पहले, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, है ना, लेकिन आप सर्च करोगे तो पता चलेगा कि हम लोग लगभग 50 में ही कंप्लीट कर लेंगे इसको, मतलब इसको क्रॉस कर जाएंगे, है ना। और ये बोला कि ट्राई टू विद इन कीप 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब ये हम तो अभी उसके खत्म 1.5 तो अभी रीच करने वाले हैं कुछ ही टाइम में। तो भाई मतलब ठीक है, बोल तो दिया लेकिन करेगा कौन उसे। दूसरा बोला INDC देना है, INDC यहाँ पे देना है तो हर कंट्री दे देगी। अब हर कंट्री तो दे देगी, बोल बच्चन टाइप हो जाएगा ना, हर कंट्री ने लंबा लंबा फेंक दिया, क्योंकि प्यूमिनिटिव मैनर में है ये, नॉन प्यूमिनिटिव मैनर में कोई सजा देने वाला तो है नहीं, तो कोई भी कुछ भी फेंकेगा लंबी लंबी, अब कुछ सजा तो है ही नहीं ना, कुछ भी लंबी लंबी फेंको, हाँ जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, कहने में क्या जा रहा है, टैक्स है ना। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो लंबी लंबी फेंकेंगी। दूसरी कमी ये आ गई, ठीक है ना। उसके बाद जो इन्होंने बोला जी $100 बिलियन हम इकट्ठा कर लेंगे, भाई कोई कंट्री देने को तैयार ही नहीं है, सच बात बताओ, बोल तो दिया इकट्ठा हो गया, करेगा कौन, कोई कंट्री इसमें डोनेट करना ही नहीं चाहती $100 बिलियन में। आई थिंक $15 बिलियन है 2020 तक, इन्हें $100 बिलियन करने हैं, तो अभी कैसे करेंगे वो, जब आ ही नहीं रहा है, कोई फंड ही नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या है, आपको मैंने बता ही दिया, लीडर कंट्री है वो पहले ही गायब हो गई है। इंडिया का देख लो, आप प्रोग्राम देख ही लो कि कितना लंबा चौड़ा उसने बताया है, अब पता नहीं फुलफिल होगा या नहीं होगा, मेरे पास डाटा नहीं है एग्जैक्टली इसका, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है इन्वायरमेंटली प्रोसेसेस को प्रमोट करने के लिए बोला, तो इंडिया तो काफ़ी हद तक काम कर रही है जहाँ तक देखा जाए, लेकिन फिर भी ना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जिस रफ्तार से इंडिया है ना इन्वायरमेंट में, अभी एक स्पेशल अवार्ड भी मिला था है ना यहाँ पर मोदी को इसके लिए, कि इन्वायरमेंट के फील्ड में करने के लिए एक स्पेशल मिला था, अवार्ड दिया गया था मोदी जी को, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, कि इसमें चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया था, है ना, इन्होंने कि इन्वायरमेंट के फील्ड में ना बहुत तगड़ा काम किया गया है। तो ये जो है यूनाइटेड नेशन UNSC मतलब यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने में दिया गया था चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड इनको मोदी।